जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2015 झारखंड पुलिस में जो क्वेश्चन आए थे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, इसमें पीटी और मेंस दोनों हुआ था, यानी पहले पीटी उसके बाद मेंस होता था। लेकिन अब झारखंड सरकार जो 2022 में ये झारखंड पुलिस का बहाली लाने जा रही है, इसमें आपका पीटी मेंस नहीं होगा, डायरेक्टली मेंस होगा। ठीक है, डायरेक्टली मेन पेपर होगा। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ये पीटी वाला है। ठीक है, ये पीटी का क्वेश्चन है जो पीटी में आया था, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा वो मेंस पेपर का भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो लिखा है पोस्ट कॉन्स्टेबल झारखंड आर्म पुलिस पीटी एग्जामिनेशन 2015। यहाँ पर आपका रोल नंबर डालने का था, यहाँ बुकलेट नंबर था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का कोड था। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं, और एक प्रश्न में आपको देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। यहाँ पर 100 प्रश्न हैं, कुल 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक प्रश्न का जो पूर्णांक है 3 है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न है, सिंपल सा बात है, बाकी बात आप सब कुछ जानते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए, जीके से स्टार्ट था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं जल विज्ञान के प्रयुक्त गुरु जल की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हो यहाँ पर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा है। निम्नलिखित में से कौन सा साल 2015 के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवारत है, यानी ये देखिए ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर का चयन किया गया था। आप देख सकते हो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साल 2015 में पाकिस्तान राष्ट्रपति के सेवारत है, ये भी हो गया, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर आगे देख सकते हो, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा गढ़ा था। झारखंड से क्वेश्चन दे दिया है ना। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप से जानी जाती है। आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2014 के मानव विकास सूचकांक के संबंधित आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की रैंक क्या है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में, आप अच्छा से पढ़िएगा तो ही एग्जाम निकाल पाइएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच रखी गई थी। देखिए ये ऑप्शन आए हुए थे, यानी सामान्य ज्ञान से बहुत ही डेंजरस प्रश्न थे, आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, भाई लोग बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है, ये तो सभी को जानना चाहिए, रांची होगा। देखिए, निम्नलिखित स्कूलों में किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी लड़की छात्राओं को उपहार में टेबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन भी थे, यानी ये तो करंट अफेयर से हो गया। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व तो पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है, झारखंड से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे, ये भी है। अगला प्रश्न है,
जमोरिन के रूप में जाने हुए हिंदू शासक ने 1498 में किस स्थान पर वास्को डिगामा का स्वागत किया गया था? ठीक है, यह हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिलों में स्थित है? देखिए ऑप्शन है, आप पढ़िएगा झील से रिलेटेड प्रश्न, झील, नदी, तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, फेरन नामक एक पारंपरिक पोशाक जो सर्दियों में पहनी जाती है, जो पुरुषों व महिलाओं दोनों में पहनावे के लिए लोकप्रिय है, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पढ़ना पड़ेगा भाई लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है? अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नेता को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरातन श्रीलंका साम्राज्य की पहली राजधानी निम्न में से कौन सी थी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति की प्रस्ताव अंगीकृत किया है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ पोंग तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती हैं? ये सब देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर दे सकते हो। दोस्तों जितने भी झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं, जितने भी फ्रेंड्स, सभी वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ऐसी वीडियोज में हमेशा लाता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक और शेयर कीजिए। साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? देख सकते हो, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों को समुदाय निम्न में से कौन सा है? तो तुरी कहते हैं फ्रेंड्स, ये मुझे भी पता है। 27वां क्वेश्चन जो था, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम दिशा से शुरू करके पूर्व की ओर दक्षिण एशिया के देशों का सही अनुक्रम है? ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका आया था, यहाँ पर देख सकते हो, विभिन्न देशों में मेकांग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अगला जो प्रश्न था, प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस बिब्राणु के माध्यम से चंबल नदी बहती है? बिम्बाणु के माध्यम से चंबल नदी बहती है। अगला जो प्रश्न है, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोहण महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के सार्विक सिद्धांतों का अध्ययन है? अगला जो प्रश्न आपका आया हुआ था, देखिए 2014 में के लिए दुनिया के विकासशील देशों में विश्व विप्रेशन को ध्यान में रखकर भारत की रैंक क्या थी? अगला प्रश्न देखिए, मैथ से रिलेटेड प्रश्न अब आना स्टार्ट हो गया। 12 सेंटीमीटर व्यास सिलेंडर का आकार का बर्तन आंशिक रूप से पानी में भरा हुआ है, यदि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले बर्तन में छोड़ा जाता है तो सिलेंडर में कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंच जाएगा? देखिए आपको मैथ अच्छा से पढ़ना पड़ेगा या 10th क्लास तक का मैथ आएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर साल 2015 में देश के लिए संविधान को अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन से नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने? कौन बने भाई लोग? 36वां प्रश्न देख सकते हो, ये वाला था आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न था। 37वां भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपका सब मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, ये सब आप पढ़ लोगे, ये 10th लेवल का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न इधर है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? तो खरकाई और सुवर्णरेखा होगा। आगे देखिए 38वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए आप सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 मीटर भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के एक कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, वह गाय उस मैदान के हिस्से के कितने क्षेत्र तक घास चर सकती है? फिर इधर एक प्रश्न है, एक्स इक्वल टू 1/ छोटी ब्रैकेट 7 माइनस एक्स है तो एक्स का पावर क्यू प्लस ब्रैकेट 1/x का होल क्यू ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा तभी पता चलेगा, जो मैथ नहीं जानता है वो भाई एग्जाम निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये साधारण ब्याज से एक बिक्रीकर्ता रुपया 5000 के मासिक वेतन और माह के दौरान 40000 से अधिक की बिक्री पर 3%
कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बिक्रीकर्ता एक महीना में 5,900 कमाता है तो उस माह की कुल बिक्री कितनी है, कितनी होगी वो आपको बताना है। अगला प्रश्न, ये भी मैथ से था, देख सकते हो, देख लो भाई लोग, ये देखो ये भी प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। फिर देखिए आगे और एक प्रश्न था जो मैथ से था, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट वर्ग है, कौन सा परफेक्ट वर्ग है। अगला प्रश्न, वर्ग से भी पढ़िएगा, वर्ग से भी रिलेटेड प्रश्न है। वृत्त से रिलेटेड प्रश्न देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उसकी परिधियों के बीच का अनुपात क्या होगा। ये देखिए ये प्रश्न आपको 45वां था। अगला प्रश्न, एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क है और उसे 3.5 घंटे में होमवर्क किया है, तो उसके होमवर्क का कितना भाग किया जाना शेष है, ठीक है। अनुपात से भी रिलेटेड प्रश्न आपका था, यहाँ पर देखिए दो वृत्तों के अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों के बीच कितना अनुपात है, अभी मैंने बताया था। अगला प्रश्न दोस्तों, श्रृंखला से रिलेटेड भी प्रश्न, सीरीज यानी सीरीज से भी दी गई श्रृंखला 3, 15, 35, 63 -143 में अनुपस्थित संख्या कौन सी, इसमें कौन सी संख्या होगी, ठीक है, ये हो गया। अगला जो प्रश्न है आपका, एक आंगन 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा, यदि इसको 20 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई ईंटों से पक्का किया जाता है तो कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर एक मैथ का प्रश्न है, ये देख लो, ठीक है, फिर मतलब मैथ के प्रश्न ही खाली आ रहे हैं, ये देखो सारे मैथ के क्वेश्चन आप देख लो। यदि x≠5, x≠-3 है तो समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ है का हल क्या होगा, आप लोग देख लो और बनाना अपने किताब में, सॉरी कॉपी में। सब कोई लाइक मारते जाओ यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अधिक से अधिक शेयर करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ो जिसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। समान आयतन के दो सिलेंडरों के त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है, उनकी अनुपात ऊंचाई का अनुपात क्या है, उनके ऊंचाई का अनुपात क्या है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पंक्तियों वाली एक बस में कितने यात्री बैठ सकते हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में डी डबल सीटें हैं और टी ट्रिपल सीटें हैं। अगला प्रश्न, समीकरण ये जो दिया हुआ है, समीकरण का क्या हल है, ठीक है, इस समीकरण का हल क्या है। अगला प्रश्न, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी और सी डी दो कार्ड एक दूसरे के समांतर हैं और इसके केंद्र की ओर ही हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो दोनों कार्ड के बीच की दूरी क्या है। अगला प्रश्न, ₹80,000 की वार्षिक वर्ष की बीमा योजना में एक LIC एजेंट पहले वर्ष की प्रीमियर 10% और उसके बाद वर्षों के प्रीमियम 5% कमीशन करता है, यदि प्रीमियम की वार्षिक दर 50 प्रति 1,000 है और 5 वार्षिक प्रीमियम चुका दिए हैं तो एजेंट की कुल आमदनी कितनी है, ठीक है, कुल आमदनी कितनी है। अगला जो प्रश्न है, यदि ये जो आपका दिया है समीकरण तो इसको हल करना है, इधर भी एक समीकरण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है, दी गई श्रृंखला, ये श्रृंखला में कौन सा छूटा हुआ है इसको आपको बताना है। फिर देखिए यहाँ भी श्रृंखला, इसमें भी कौन सा छूटा हुआ है इसका आंसर देना है। फिर भी यहाँ भी और एक प्रश्न है, यहाँ का अगला संख्या कौन सा होगा, यहाँ पर वो दिया है, अगर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण में उनकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड प्रश्न है, इसको भी आप कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ त्रिभुज से रिलेटेड, ABC एक समचतुर्भुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएँ 4 सेंटीमीटर है, यदि भुजाओं BC, CA, AB के मध्य पॉइंट क्रमशः PQR है तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखिए ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए बसठवां प्रश्न, छात्रों के एक समूह ने राजगीर जाने का निर्णय लिया, खाने के बजट में 1200 तथा प्रत्येक छात्र को बराबर राशि का योगदान देना था, यदि 5 छात्र अधिक आ गए होते तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया योगदान ₹8 कम होता, छात्रों की मूल संख्या क्या है। बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन था भाई लोग। 63वां प्रश्न, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के समांतर भुजाएं और 6 सेंटीमीटर प्रत्येक असमांतर भुजाओं वाले एक समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए
एक ठोस वस्तु में एक वृत्ताकार सिलेंडर है जिसके शीर्ष पर सटीक फिटिंग का एक राइट सर्कुलर कोन स्थित है। यदि कोन की ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है तो ठोस वस्तु का कुल आयतन कोन के आयतन का 3 गुना है, तो सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, यह है आपका प्रश्न 64वां प्रश्न। देख सकते हो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर एक वस्तु को 680 में बेचता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अगला प्रश्न, उससे चला नहीं जाता यह वाच के किस भेद के लिए सही मतलब एक उदाहरण है। देखिए हिंदी से भी प्रश्न बनने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक कक्षा में 50 से 58 के बीच विद्यार्थी वन विहार पर जाने का निर्णय लेते हैं। अपने आप को 2, 3, 4, 5 के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे पाते हैं कि हर बार कुछ विद्यार्थी छूट जाते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। अगला प्रश्न, वहाँ 4 लड़के बैठे थे, इसमें विशेषण कौन सा। विशेषण से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछना होगा। मैक का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखते हो 66वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्गमूल में कितने शून्य, ये जो संख्या दिया है इसके वर्गमूल में कितने शून्य होंगे। अब देख सकते हो मैक का पर्यायवाची क्या होगा, और यहाँ पर आगे देख सकते हो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं, उनमें संदेहार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। 72वां प्रश्न, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा, बच्चा शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो ये बचपन हो जाएगा। भैंस का लिंग बदलिए तो भैंस का भैंसा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका होगा। लंबा चौड़ा मैदान यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो गुणवाचक होगा। अगला देखिए 74वां प्रश्न, मोहन जी सब्जी की मार्केट जाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, कौन सी क्रिया है। अगला देखिए इनमें से सरल वाक्य उदाहरण कौन से, इसमें सरल वाक्य कौन सा है। अगला प्रश्न, किताबी कीड़ा का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न, उपमा उपमेय उपमा रूपक उल्लेख उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति प्रतिवस्तुपमा दृष्टांत विरोधाभास काव्यलिंग अर्थांतरन्यास स्वभावोक्ति, यह सब किस अलंकार उपभेद हैं, किस अलंकार के उपभेद हैं, अलंकार से रिलेटेड ये प्रश्न। किताबी कीड़े का अर्थ क्या है, केवल पुस्तक पढ़ने वाला। दो स्वर वर्णों की संधि को क्या कहा जाता है। तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्दों में इनमें से कौन सा अलग है, कौन अलग है। ठीक है, इनमें कौन सा अलग है, तो इसका राइट आंसर चाकू होगा, यह सब सब है। अगला जो प्रश्न है, निह जोड़चय निश्चय का यह किस संधि का उदाहरण है। इनमें से एक उदाहरण अव्ययी भाव समास का नहीं है। ठीक है, आप व्याकरण अच्छा से पढ़िएगा तो ही इनके आंसर दे पाओगे। कौन सा यह सर्वनाम के किस भेद के लिए उदाहरण है, कौन क्या यह सर्वनाम के, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा यार। विषयक संधि किसे कहते हैं, ये देखिए। अगला जो प्रश्न है आपका, डर कर भागना यह किस मुहावरे का अर्थ है। दुम दगा कर भागना यही होगा। एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समानता प्रतिपादित करना क्या है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार ही हो जाएगा। देखिए 90, मादा का लिंग बदलिए तो मादा का नर होगा। शाखाएं का वचन बदलिए तो शाखाएं का शाखा होगा। द्विगु समास के उदाहरण कौन सा है, तो त्रिलोक होगा, क्योंकि उसमें नंबर्स आएगा पहले। सकर्मक और अकर्मक के दो शब्दों के भेद हैं, तो क्या होगा, क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वाच्य के किस भेद में कर्ता का प्रदान होता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो भी है आपको पढ़ना है, जैसे वाच्य यहाँ पर पढ़ना है, विशेषण भी पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम सब कुछ पढ़ना है, तो वो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, हार मानना होगा। उसी प्रकार चतुर का भाववाचक संज्ञा क्या है, चतुराई होगा। सीढ़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो सीढ़ियाँ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधा ने कहा कि मैं जाऊँगी और स्थिति ऐसी हो गई कि वह बीमारी कारण ना आ सकी, इनमें संयुक्त वाक्य का कौन सा जोड़ है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ये भी देखिए।
ये वाला हो जाएगा जिसका समासपद अव्यय हो, यही होगा 96। और देखिए 96 के बाद आपका आ जाता है 97 वाला जो प्रश्न है, वाच्य के किस भेद में कर्ता का प्रधान होता है ना, पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है, चतुर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, चतुराई। और ये आपका अंतिम प्रश्न 100 प्रश्न जो आया था उसमें से अंतिम प्रश्न है, जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, ये प्रश्न आपका आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, जिसे काली घटा का घमंड घटा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपका जैप 2015, दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये जैप 2015 का प्रश्न था जिसमें आपका पीटी मेंस दोनों लिया गया था, इसमें 2 से 3 पेपर थे। तो इसका जो अगला पेपर है और मेंस का क्वेश्चन मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ यारो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।